देखो कितना कार्बन निकल रहा है, ये कार्बन देखो किस तरीके से निकल रहा है, ये देखो ये पूरा कार्बन है, केमिकल ने पूरा मतलब जड़ से जो निकालते हैं बोलते हैं ना उस तरह निकाल दिया है ये। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर माइटिक में। दोस्तों, टाटा के विस्टा, मांजा या फिर जेस्ट बोल्ट, ये गाड़ियाँ, इसमें डीजल इंजन जो है 1.3 लीटर का फियाट का इंजन लगा होता है और ये गाड़ियाँ लगभग 60-70 हज़ार किलोमीटर चलती है ना, तो इसमें पिकअप डाउन हो जाता है और थोड़ा थोड़ा ब्लैक स्मोक देने लगती है गाड़ी। तो इस कंडीशन में हमें जब 60-70 हज़ार किलोमीटर रनिंग चल हो जाता है तब इसका EGR वॉल होता है वो क्लीन करना पड़ता है। तो इसका EGR वॉल जो होता है वो किधर होता है, उसको कैसे खोलते हैं और किस तरह क्लीन किया जाता है, ये इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। सबसे पहले इसका जो एयर फिल्टर है उसकी असेंबली होती है ये निकालनी है। तो एयर मास सेंसर का कपलर वगैरह हटाना पड़ता है, इधर ये क्लिप होती है ये निकालनी पड़ती है। ये देखो ये निकल रही है, इसके बाद ऐसे खींचते हो ना तो ये बाहर आ जाता है। देखो यहाँ से भी निकालना होता है, ये देखो ये कुछ इस तरह बाहर आ जाता है। उसके बाद हमारी बैटरी होती है ये निकालनी होती है, क्योंकि ये हमारे जो EGR वॉल होता है ना थोड़ा सा अंदर होता है, इसके लिए जगह बनानी पड़ती है उसको खोलने के लिए। ठीक है, इतना निकाल दोगे तो ये देखो ये यहाँ से आपको EGR वॉल दिखता है, ये देखो ये इसका EGR वॉल है। और उस साइड से भी मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से क्या क्या खोलना है। तो अभी देखो प्रॉपरली जगह बन गई, इसका कपलर भी मैंने निकाल दिया। अभी ये जो इंटेक में पाइप जाता है हमारे इंटरकूलर से आके, ये निकाल देना है तो और जगह बनेगी। ठीक है, ये देखो ये निकाल दिया और इसको ऐसे नीचे रख देता हूँ। ठीक है, अब भी आपको मैं कैमरा अंदर ले जाके क्या क्या निकालना है वो बताता हूँ। ये देखो ये पाइप है इधर एक कूलेंट का, ये देख पा रहे हो आप, तो ये देखो ये कूलेंट का पाइप निकालना है, या फिर यहाँ से डायरेक्टली निकाल देते हो तो पाइप के साथ निकल जाता है, जो भी आपको आसान लगे वो करना है। ठीक है, देखो ये इधर एक क्लिप होती है, देखो ये इंटर कूलर में जाता है पाइप। निकालने के बाद भी आपको मैं दिखाऊंगा कि क्या क्या हमने खोला। ठीक है, तो ये इधर से हम एक बोल्ट निकाल देते हैं तो क्लिप आ जाती है, ये T35 नंबर का होता है। और EGR वॉल हमारा देखोगे ना तो ये देखो ये इसमें बोल्ट दो ही रहते हैं, इधर एक रहता है नीचे एक रहता है। ये देखो ये मेरी उंगली भी नहीं जा रही, ये देखो ये T40 नंबर के दो निकालने हैं, ये क्लिप निकालनी है। ठीक है, और एक कूलेंट का होस, ये तीन चीज़ें सिर्फ निकाल देते हो ना तो हमारा पूरा EGR सिस्टम है ये पूरी बाहर आ जाती है। देखो ये क्लिप निकाल दी, एकदम इजीली आता है, थोड़ा सा आपको सिर्फ उसका लोकेशन पता हो ना तो एकदम प्रॉपरली निकाल सकते हो। अभी दो जो इसके बोल्ट है ना EGR के मेन, तो ये निकालता हूँ। ये देखो ये T40 नंबर का ऐसा टूल लगाया मैंने इसमें, और प्रॉपरली लगा के ये देखो थोड़े टाइट होते हैं, ये देखो हाँ ये देखो ये एक लूज हो गया, तो इसी तरह लूज करने हैं दोनों। ये अभी ऊपर का मैं निकालता हूँ, देखो प्रॉपरली टूल 90 डिग्री में लगाओगे ना आप तो कुछ टेंशन नहीं है, आराम से आ जाता है। ये देखो देखो ये दोनों लूज हो गए। ठीक है, सिर्फ अभी हाथ से मैं ये दोनों निकाल देता हूँ और EGR भी देखो हमारा हिलने लगा, ये देखो मतलब लूज हो गया। अभी वो दो जो बोल्ट है ना ये निकाल दे दूंगा ना मैं तो EGR पूरा बाहर आ जाएगा, और पाइप भी मैंने निकाल दिया कूलेंट का। ये देखो ये देखो अभी ये निकाल देते हो ना तो थोड़ा सा EGR हमारा बाहर लेना है, ये देखो। और ये देखो इधर क्लिप देख रहे हो ना, ये क्लिप निकालनी है, इधर कंपनी की अलग होती है, कंपनी की स्क्रू ड्राइवर से निकालनी पड़ती है, और ये रेगुलर क्लिप लगा देनी है कंपनी की, क्या वन टाइम के लिए होती है। ठीक है, ये इस तरह ये देखो दिखाओ, ये देखो इस तरह होती है, ये स्क्रू ड्राइवर से निकाल देते हो ना तो इजीली निकल जाते हैं, बाद में ये वाली क्लिप लगानी पड़ती है उधर। ठीक है, क्योंकि वो वन टाइम यूज क्लिप होती है। ठीक है, तो ये निकाल दिया और ये अभी पाइप निकाल देता हूँ मैं, ये देखो ये पाइप निकल गया। और अभी हमारे जो EGR की पूरी असेंबली है ना, ये देखो ये बाहर आ रही है। अभी देखो EGR की पूरी असेंबली निकाल दी, इधर एक पैकिंग होता है और इधर एक पैकिंग होता है, ये देखो। ठीक है, तो इधर का क्या गिर गया, गिर जाता है एक छोटा सा होता है। ठीक है, और ये पैकिंग, ये हम नया डालेंगे और क्योंकि ये थोड़ा ख़राब वगैरह हो गया है, और पैकिंग नया ही डालना अच्छा है हर टाइम जब भी आप खोलते हो। दो पाइप होते हैं, ये देखो ये इधर एक पाइप डायरेक्ट ये टर्मोस्टेट में लगता है, और इधर का एक जो हमारे हीटर कोर में जाता है।
ठीक है। और ये इस तरह फिटिंग होती है, देखो ये दो बोल्ट हमने पीछे से निकाल दिए क्योंकि थोड़ा सा कंजेस्टेड एरिया है, आपने तब देखा नहीं होगा प्रॉपरली, तो अब देख लीजिए। और ये इस तरह इंटेक में ये क्लिप लगती है, तो इतना जो ये पाइप है ये भी निकाल देना है लूज़ करके, ठीक है। और ये देखो ये इजर का कूलर है, ये मेन इजर का वॉल है, और ये इजर का सोलोनॉइड है, तो तीनों चीज़ें अभी हमें डिसेंबल करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले इजर का जो कूलर है ये निकाल देता हूँ मैं, ये देखो ये कार्बन देखो गिर रहा है कैसे, पूरा मतलब कार्बन से चोक हो गया है ऐसा लग रहा है, तो इसी के कारण पिकअप की समस्या आती है। ये देखो ये कितना कार्बन देखो ऐसे ही गिर रहा है इसमें, ये देखो अभी क्लीन करेंगे तो कितना जाएगा देखो आप। ये देखो ये क्या पैकिंग होता है, ठीक है। तो ये पैकिंग वैसे लगा दे तो एनाबॉन्ड लगा के तो चलता है, कुछ प्रॉब्लम नया मिलता है तो नया डाल देना चाहिए। अब इजर का जो कूलर है वो तो हमने निकाल दिया, उसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक जो सोलोनॉइड है वो निकाल रहे हैं, ये देखो। तो इसमें भी तीन स्क्रू होते हैं, ये तीन स्क्रू निकाल देते हो ना, तो ये कुछ T25 नंबर के होते हैं तीन स्क्रू, देखो। तो ये निकाल देने, इसके बाद पता चलेगा कि हमारा जो इजर है वो जाम हुआ है, अटक रहा है, क्या हुआ है असल में, ठीक है। ये देखो ये तीनों के तीनों स्क्रू अभी आ रहे हैं, ये देखो। इसके बीच में कुछ पैकिंग वगैरह नहीं रहता, एज इट इज लगा देना है, ये देखो इसमें कुछ नहीं रहता पैकिंग वगैरह, ठीक है। ये देखो ये आ गया, और ये थोड़ा मतलब जाम जा रहा है, ज़ोर से दबाना पड़ रहा है, एकदम ईजी जाना चाहिए ना, ऐसा नहीं जा रहा है। और ये इसका एक्चुएटर है, ठीक है। तो अभी इसको क्लीन करेंगे प्रॉपरली। अभी देखो हमारे पास रिचार्जेबल ड्रिल है, उसको हमने ये तार वाला ब्रश लगाया, ये मतलब रिकमेंड नहीं है, आप हाथ से भी कर सकते हो, लेकिन हाथ से थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, इसके लिए हमने ये लगाया, ठीक है। और ये कार्बन है ना, इसके ऊपर इस तरह मारना है, ये देखो पूरा जो कार्बन है ना ये निकल जाएगा इससे, ठीक है। धीरे धीरे करके इस पर से ये ब्रश घुमाना है, ये देखो। और ये कार्बन देखो कितना कार्बन है देखो, और कूलर में तो इससे ज़्यादा रहेगा। इसके बाद भी हम प्रॉपरली क्लीन करते हैं केमिकल से, वो भी दिखा था वो, मतलब एकदम ब्रांड न्यू जैसा हो जाता है यार। देखो इसके बाद इसके अंदर भी डालेंगे, के अंदर ज़्यादा जा नहीं पा रहा है, तो ये इस तरह स्क्रू ड्राइवर से वगैरह कर सकते हो आप, ये इस तरह देखो इससे भी ऐसा प्रॉपर हो जाता है, देखो इसमें भी देखो कितना कार्बन है, बहुत ज़्यादा कार्बन है। इसके लिए हमारा जो इजर वाल है वो जाम हो रहा था, स्टक हो रहा था। ये इसका कूलर है, इस पर भी इस तरह आ रही है, पाइप में वगैरह भी देखो पाइप में होता है वो, थोड़ा सा इस तरह करके हाँ निकाल सकते हो, तो पाइप में क्या ज़्यादा नहीं है तो इसके लिए नहीं निकल रहा है, ठीक है। अभी हम केमिकल से क्लीन करते हैं इसको। अभी देखो ब्रश की मदद से जो भी ज़्यादा कार्बन था बहुत मतलब पूरा मतलब जमा हुआ था वो तो सारा निकाल दिया, फिर भी अभी थोड़ा बहुत कार्बन है उसमें, वो ब्रश से भी नहीं जाता, और इसके अंदर का कार्बन हम क्लीन नहीं कर पाते। तार से वगैरह थोड़ा बहुत होता है, लेकिन तार से डैमेज हो सकता है क्योंकि एकदम पतला होता है ये, डैमेज हो गया तो कूलेंट पूरा हमारा लीक होने लगता है वहाँ से, तो इसके लिए अंदर हमने कुछ छेड़ा नहीं इसको, और ये पाइप के अंदर भी क्लीन करना मुश्किल होता है, तो इसके लिए हमारे पास एक केमिकल है, ये देखो ये एल्यूमिनियम क्लीनर नाम से केमिकल आता है, अमेजोन पे वगैरह मिल जाता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको चाहिए तो, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत से लोगों को मालूम नहीं है, ठीक है। तो अभी क्या है, ये केमिकल सिर्फ डालना है इसके ऊपर, ये प्रॉपरली मतलब हैंड ग्लोव वगैरह लगा के ये केमिकल डालना है, सिर्फ भिगाओ, पूरा भरो मत साइड से, सिर्फ ऐसा तो भीगना चाहिए, ये इधर से भी सूखा रहेगा ना, ये देखो। और ऐसा लगभग 10-15 मिनट रख दोगे ना जो भी कार्बन है ना, ये देखो इसके अंदर भी देखो ये गड्ढे में, बस ये देखो ये पूरा मतलब भीग रहा है,
देखो पूरा मतलब जिधर से कार्बन निकला ना वो पूरा भिगा देना है इस केमिकल की मदद से। ये देखो ऐसा, ये प्रॉपरली मतलब ये हमारे स्किन को वगैरह लगना नहीं चाहिए केमिकल, ये बहुत डेंजरस होता है। तो इसके लिए पूरा ये देखो हैंड ग्लोव वगैरह लगा के पूरा ये करना है। इधर सब से थोड़ा भिगाओ, वैसे ही साइड की जो ये है ना वॉल वो से भिगाओ, ज़्यादा भरो मत, पूरा अंदर थोड़ा और जाने दो। ठीक है, अभी रहने देंगे ऐसे ही लगभग 15-20 मिनट। ठीक है, तो हमारा जो पूरा कार्बन है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो और इसके बाद ये देखो हमारा कूलर है ना, इसके अंदर भी ऐसे डालना है। इसके पूरे जितने भी इसमें छेद दिख रहे हैं ना उसमें पूरा डालो, एक एक छेद में करके। हाँ, थोड़ा थोड़ा डालो सब में। तो इस तरीके से क्लीन करते हो ना, मतलब आपका ईयर तो मतलब ब्रांड न्यू ही हो जाता है, और कार का परफॉर्मेंस जो आता है ना वो भी एकदम प्रॉपर आता है। इसमें भी डालो, तो जिधर जिधर कार्बन होता है उधर हमने ये केमिकल डाल दिया। 15 मिनट से या ज़्यादा कार्बन है तो आधा घंटा रुको, कुछ टेंशन नहीं। ये देखो कार्बन देखो कैसे निकल रहा है इधर से, ये देख पा रहे होगे आप। ये देखो पूरा कार्बन है ना वो मेल्ट करके निकलता है। इसमें और एक बार डालो, थोड़ा सा मतलब सूख गया तो डालते रहना है फिर। डालो थोड़ा, ये देखो मतलब ऐसे कार्बन निकलेगा ना मज़ा ही आ जाएगा। इसमें भी डालो, अभी जितना भी बचा है ना इसमें डाल दो पूरा। ये देखो ये मतलब बहुत कमाल का ये चीज़ है पूरा। अभी आप आधा घंटा रुकोगे ना तो आपको भी पता चलेगा कि कैसा हो रहा है, एकदम मस्त होता जाता है। ठीक है, तो आधा घंटे अभी वेट करते हैं। अभी लगभग 15 मिनट हो गई और ये कार्बन देखो किस तरीके से निकल रहा है। ये देखो ये पूरा कार्बन है, केमिकल ने पूरा मतलब जड़ से जो निकालते हैं बोलते हैं ना उस तरह निकाल दिया है। ये देखो ये पूरा कार्बन है, इसके अंदर का पार कार्बन भी देखो ये पूरा मतलब मेल्ट कर दिया है। जो मतलब सख्त कार्बन रहता है पूरा चिपका हुआ, आप कितना भी घिसो कितना भी रगड़ो जो निकलता नहीं है ना, ये केमिकल एकदम प्रॉपरली निकल देता है और पूरा नए जैसा बनाता है इसको। अभी नहीं, इसको हम वॉश करेंगे, ये केमिकल है वो पूरा डब्बे में जमा करेंगे, क्योंकि ऐसे ही फेंकना वगैरह अच्छा नहीं है। ठीक है, तो फिर भी थोड़ा बहुत गिर जाता है तो अभी छोड़ो क्या करेंगे। ठीक है, ये देखो ये पूरा कार्बन देखो कितना केमिकल ने निकाल दिया। ठीक है, एकदम क्लियर था केमिकल, और अभी निकलते समय देखो पूरा ब्लैक ब्लैक निकला। ये भी कर दो, ये देखो देखो कितना कार्बन निकल रहा है। ठीक है, अभी प्रेशर वॉशर की मदद से इस पर पानी मार के पूरा जो केमिकल हो रहा है वो पूरा निकाल के जो भी कार्बन वगैरह निकला हुआ है वो और क्लीन कर देंगे। अभी देखो प्रेशर से पानी मारेंगे, ये देखो जो भी कार्बन वगैरह है ना और केमिकल है वो पूरा क्लीन हो जाएगा। ये देखो कैसे हो रहा है, एकदम मस्त निकल रहा है। ये देखो तो इसी तरह प्रॉपरली पानी मार के लेंगे जो भी जी आ रहा है और उसका कूलर वगैरह है उसमें। और अभी दिक्कत है वो आपको कैसा हो गया अंदर से, थोड़ा रुको। अभी अंदर से देखो एकदम चकाचक हो गया, थोड़ा पानी वगैरह रह गया उस पर प्रेशर पे मारेंगे ना एकदम मतलब नए जैसा हो जाएगा। और ये देखो कार्बन वगैरह कितना निकला है। अभी देखो हमारा ईजीआर देखो कितना क्लीन हो गया है। ये थोड़ा बहुत तो रहता है, उससे कुछ मतलब ये दिक्कत नहीं। ये जो वॉल है और उसकी सीट है ना ये प्रॉपरली क्लीन होनी चाहिए। और इधर पे उसका ये जो वॉल का रॉड है ना जो अंदर से अटकता है, ये देखो ये स्प्रिंग वगैरह ये प्रॉपरली क्लीन होनी चाहिए। तो ये केमिकल से मदद से एकदम प्रॉपर क्लीन हो गई। और अभी देखो एकदम प्रॉपरली ऐसे वर्क होना चाहिए, एकदम ऐसे एकदम इजीली जाना चाहिए और ऊपर भी एकदम इजीली आना चाहिए। और ये फिल्टर देखो सॉरी कूलर देखो एकदम प्रॉपरली क्लीन हो गया, मतलब अंदर जरा भी कार्बन नहीं बचा इसके। ये पाइप वगैरह देखो मतलब ब्रांड न्यू जैसे क्लीन हो गए, ऊपर से आपको ख़राब दिखेंगे लेकिन अंदर से एकदम मस्त क्लीन हो गए। ठीक है, तो अभी इसको हमने डिसेम्बल किया था, अभी प्रॉपरली असेंबल करेंगे। इस पर थोड़ा सा एना बॉन्ड लगाएंगे, एकदम थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं लगाना है, नहीं लगाते तो भी चलता है लेकिन क्योंकि लीकेज ना हो इसके लिए हम थोड़ा सा एकदम लगाते हैं, ज़्यादा नहीं लगाना है। ठीक है, एना बॉन्ड लगा दिया इसके ऊपर, देखो ये पैकिंग रख दिया और पैकिंग के ऊपर भी थोड़ा सा एना बॉन्ड लगा देते हैं हम।
ठीक है। तो ये लगा दिया और अभी इसका कूलर है ये, इसके ऊपर हम असेंबल कर देंगे। ये देखो इस तरह लगा के इसके जो बोल्ट है ये लगा देंगे। ये देखो लग गया, दूसरा लग गया, इसको भी टाइट कर देते हैं। ये देखो दो बोल्ट लग गए, अभी ये तीसरा बोल्ट, अभी इनको प्रॉपरली टाइट कर दूंगा। ये देखो देखो ये इसका सोलेनोइड है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है। इसमें केमिकल वगैरह नहीं डालना है, कुछ भी क्लीन वगैरह नहीं करना है, बाहर से भी गंदा रहता है कुछ टेंशन नहीं। इसमें केमिकल डालते हो तो खराब हो जा सकता है, पानी भी लगाते हो ज़्यादा तो भी खराब हो सकता है। तो इसको सिर्फ ऐसे ब्रश से क्लीन कर देना है। ये भी क्लीन नहीं करते तो चलता है, इसमें कुछ दिक्कत आती नहीं और इसमें कुछ ऐसा कार्बन वगैरह भी होता नहीं। जैसे ब्रश वगैरह पकड़ा हुआ है तो इसके लिए इसको भी क्लीन कर रहे हैं। देखो ये हो गया, ठीक है। अभी इसके भी तीन स्क्रू है, इनको लगा देंगे। हमारा इस तरह बैठेगा, ये देखो बैठेगा, और इसके तीन स्क्रू है, इनको लगा देंगे। तो हमारा इजियर का असेंबली थे ये कंप्लीट हो गई। और ये स्क्रू लगाने के बाद हमें इसको डायरेक्ट गाड़ी में से जैसे हमने निकाला था वैसे फिट कर देना है। ये लगाने से पहले इसमें क्या पैकिंग लगाना ज़रूरी है। ये देखो ये पैकिंग थोड़ा पुराना हो गया है और ये लगाना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से लीक होने की संभावना रहती है। और इसमें भी एक रिंग होती है पैकिंग की, वो भी गिर गई थी या पहले से ही मतलब लगाई नहीं थी, कुछ पता नहीं इसका। तो गाड़ी के नीचे हमने चेक किया, गिरी हुई तो नहीं दिखी, क्योंकि कभी कभी गिर जाती है, अटक जाती है, वो दिखती नहीं, गिर भी गई होगी तो ये नया डालना पड़ता है। तो ये मैं रिकमेंड करता हूँ, ये दोनों पैकिंग है, ज़्यादा महंगे भी नहीं होते, ये नए डालने हैं। तो ये इसके पैकिंग है, ये हमने मंगाई है। ये छोटा से छोटा पार्ट हो, बड़ा से बड़ा पार्ट हो, सब कुछ आपको बुड़मू पे मिल जाता है। ये पैकिंग सेट भी हमने बुड़मू से मंगाया। बुड़मू एक ऐसा ऐप है जिस ऐप की मदद से आप घर बैठे बैठे किसी भी कार का कोई भी स्पेयर पार्ट मंगा सकते हो। इस ऐप पे आपको कई सारे फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि आप आपके कार का OEM कैटलॉग देख सकते हो, उसमें कौन सा पार्ट किधर लगा है, उसका पार्ट नंबर क्या है, उसकी प्राइस क्या है, ये देख सकते हो। और आपको चाहिए तो परचेस कर सकते हो। परचेस करने के बाद मोस्टली पार्ट आपको 5 दिन के अंदर डिलीवर हो जाते हैं। डिलीवर हो जाने के बाद भी वो पार्ट आपको नहीं चाहिए तो 10 दिन के अंदर उसको रिटर्न करके अपना रिफंड ले सकते हो। बुड़मू पर ढेर सारे स्पेयर पार्ट अवेलेबल जाते हैं। आपको एकदम जेन्युइन कंपनी के चाहिए तो वो भी मिल जाते हैं, आफ्टर मार्केट चाहिए, OE स्पेयर पार्ट चाहिए तो वो भी बुड़मू पे इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो इस ऐप की लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, इनकी वेबसाइट है, इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अभी देखो ये जो न्यू पैकिंग है ये इधर रखना है ऐसा, और इधर इस तरीके से ये दोनों बोल्ट लगा देने, तो पैकिंग हमारा टाइट हो जाएगा, पैकिंग गिरेगा नहीं, ठीक है। तो दोनों बोल्ट भी इस तरह इधर लॉक हो जाएंगे। ये देखो ये मतलब लगाने में आसानी नहीं, वो इसके लिए है क्योंकि ये रेडियो कंडिस्टेड होता है, पैकिंग पकड़ के रखना वगैरह पॉसिबल नहीं होता उधर, तो इसके लिए ये मतलब ऐसे सिस्टम का ही है, ठीक है। तो एकदम प्रॉपरली बैठ जाता है और ये पैकिंग इस पाइप में इस तरह बैठता है, ठीक है। वो भी ये देखो इस तरह जाम हो जाता है, ये देखो ये गिरेगा नहीं, एकदम प्रॉपरली बैठ जाता है। तो इसके लिए नई पैकिंग लगाना ज़रूरी है। पुरानी पैकिंग क्या है, ये होल वगैरह बड़ा होता है ना, वो गिर सकते हैं लगाते समय वगैरह और लीकेज हो सकता है, ठीक है। तो अभी गाड़ी के ओर चलते हैं और फिट करते हैं इसको। अभी देखो एकदम प्रॉपरली मतलब अंदर ढकेल दिया है गीजर को, और अभी ये जो बोल्ट है ये टाइट कर देंगे ना तो हो जाएगा। ये देखो ये पाइप भी लगा दिया, एक क्लिप इस तरह रख के टाइट कर देंगे, दूसरा पाइप भी टाइट कर देंगे, और इस क्लिप और पाइप की क्लिप है जैसे मैंने निकाली थी वैसे टाइट कर देंगे। मतलब आप स्टेप बाय स्टेप करते हो ना, एकदम ईजी काम हो जाता है, और एकदम लगभग 1-1.5 घंटा ही लगता है इसमें पूरे प्रोसेस में। ज़्यादा ही गंदा है तो 2 घंटे लगते हैं, एकदम प्रॉपरली हो जाता है। तो अभी क्या है, अभी तो आपको आइडिया आ गया है कैसा लगाना है, क्या लगाना है, मैंने बताया आपको। तो अभी पूरे नट बोल्ट इसके है, स्क्रू है, वो टाइट कर लेता हूँ, पाइप वगैरह लगा देता हूँ और आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ। अभी देखो EGR की फिटिंग एकदम प्रॉपरली हो गई है सारी, ठीक है। अभी बैटरी और एयर क्लीनर वगैरह लगा के हम गाड़ी स्टार्ट करके देखते हैं। अभी देखो सारा फिटिंग हो गया है एकदम प्रॉपरली,
और इजर वगैरह लगा दिया और कूलेंट डाला और चेक किया लीकेज विकेज है क्या, कोई कुछ भी लीकेज वगैरह नहीं है। और गाड़ी स्टार्ट करो अभी, ये देखो एकदम प्रॉपरली गाड़ी स्टार्ट हो गई है। और अभी पिकअप का वगैरह जो भी प्रॉब्लम था ना वो भी चला जाएगा, क्योंकि 60-70,000 किलोमीटर बाद ये जो प्रोसेस है ये करनी ही पड़ती है इन गाड़ियों में, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और आप नहीं हो आपने हमारे चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही नए वीडियो में आपके लिए बनाता रहता हूँ।